ये वही मोटर फैक्ट्री है जिस पे इस स्टेशन का नाम पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती है, जो कि मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कौन सी ट्रेनें रुकती है नहीं रुकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टिकट काउंटर है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो अप में जाओगे तो कौन सा स्टेशन आएगा, डाउन में कौन सा स्टेशन आएगा, सब रूट्स यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंडल जाने की ट्रेन जो है, मेमारी जाने की ट्रेन जो है आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंदिर है, तो यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा, आपको मंदिर का भी दर्शन कराया जाएगा। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तारकेश्वर लोकल जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो यहाँ पे लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन सबके बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहना। टिकट का प्राइस भी बताया जाएगा कि कितना पैसा लगता है यहाँ पे, और हिंद मोटर फैक्ट्री के बारे में भी बताया जाएगा, इस स्टेशन का नाम कैसे पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यही ये हिंदुस्तान मोटर की कंपनी है, आप देख सकते हो इसी के नाम पे ये रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा है। तो चलिए, मैं हूँ उत्कर्ष और स्वागत करता हूँ अपुन के ब्लॉग चैनल पे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंद मोटर रेलवे स्टेशन का यहाँ पे बहुत ही छोटा सा टिकट काउंटर है, जहाँ पे एक काउंटर खुला हुआ है और यहाँ पे आपको ट्रेन का टाइम टेबल वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैन्युअली भी टिकट ले सकते हो और मशीन से भी टिकट ले सकते हो, कार्ड से भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंद मोटर रेलवे स्टेशन में आप ये देख सकते हो कि अदर रेलवे स्टेशन रोड्स के साइड में होता है, बट ये एक फैक्ट्री के साइड में है, जो कि ऑब्वियसली हिंद मोटर फैक्ट्री है और इसी के नाम पे इसका ये नाम पड़ा है, ताकि यहाँ के वर्कर्स लोग जो है ट्रेन के माध्यम से घर आ जा सके। बट ये अभी फैक्ट्री शायद बंद हो चुकी है, बट ये स्टेशन चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंद मोटर रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अभी मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, उधर आप देख सकते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म है और उसके उधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। अप में क्या आता है, डाउन में क्या आता है, मैं सब कुछ बताऊँगा, वीडियो में बने रहना। तो चलिए, मैं आपको ओवर ब्रिज से आपको ले जाता हूँ। उधर आप एंट्री और टिकट काउंटर आपको मैंने दिखा दिया, इधर प्लेटफॉर्म दिखा दिया। अब मैं आपको ओवर ब्रिज से कुछ दिखा देता हूँ, ट्रेन के बारे में वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आप हिंद मोटर से हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर आप किसी और जगह से हो तो उसका वीडियो भी बन जाएगा, कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे हिंद मोटर रेलवे स्टेशन में अगर आप इस साइड अगर आप देखते हो, तो ये जो है आपका हावड़ा लाइन है, डाउन लाइन है। तो हावड़ा में अगर आप डाउन में जाते हो तो आपको उत्तरपाड़ा रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। उत्तरपाड़ा, बेलूर, बाली, लिलुआ, हावड़ा उधर ही है। और इधर आप जो देख रहे हो ये अप लाइन है। अप में अगर आप जाते हो तो कौन नगर रेलवे स्टेशन जो है आपको मिलेगी। इधर रिसरा, सेवड़ा, फुली, चंदन नगर, चुचड़ा वगैरह सब इसी साइड है, बैंडल, वो सब का भी वीडियो बन चुका है। आपको स्क्रीन पे जो थंबनेल दिखाई दे रहा है उसे भी आप ज़रूर से ज़रूर देखना। तो मैंने इस वीडियो में आपको अप और डाउन का भी मैंने बता दिया, कौन सा रेलवे स्टेशन आता है, रूट्स वगैरह के बारे में भी मैंने बता दिया, बता दूँगा इसमें कौन सी ट्रेनें आती है नहीं आती है, हिंद मोटर स्टेशन में आने के लिए कौन सी ट्रेन लेनी है नहीं लेनी है, सब कुछ बताऊँगा। वीडियो में बने रहना। आप उधर एक देख सकते हो कि उधर मेमारी जाने की ट्रेन जो आ चुकी है, जो कि हावड़ा मेमारी लोकल है, जो और लोकल ट्रेनें कौन सी रुकती है नहीं रुकती है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहना। तो अभी मैं आपको स्टेशन का टूर करा रहा हूं कि स्टेशन पे क्या क्या है नहीं है। तो अगर आप इधर से उधर से मैंने आपको स्टेशन का दिखाया, और इधर से अगर आप ओवर ब्रिज से उतरते हो तो इधर भी आपको एक टिकट काउंटर देखने को मिल जाता है। तो इधर मैं टिकट काउंटर में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टिकट काउंटर उधर मैंने दिखा दिया, आप इधर जा देख सकते हो। और बगल में ही इधर मार्केट का प्लेस है, और इस साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है। और उधर आप देख सकते हो मेमारी लोकल जो है रवाना हो चुकी है, और इस साइड में मंदिर है, तो आप इधर आके दर्शन कर सकते हो। सो हिंद मोटर रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही मेन रोड वगैरह के बगल में नहीं है, बट ये बहुत ही शांत जगह पे जो है हिंद मोटर रेलवे स्टेशन जो है बसा हुआ है। सो आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस साइड में क्या है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो एक और मंदिर आपको यहाँ पे दिख जाता है, और इधर से ही आप स्टेशन पे भी जा सकते हो, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ओवरब्रिज लेकर उस साइड से जा सकते हो, और इधर से बिना ओवरब्रिज के भी जा सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे भी मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैंने काली माता और शनि देवता का मंदिर का फोटो ले आया है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आप बढ़ सकते हो, तो इधर आपको कुछ दुकानें दिख जाएंगी और इधर आपको जो है रेलवे स्टेशन के जाने के लिए इधर एक रास्ता दिख जाएगा। तो मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ कि इधर से निकलना है, किधर से स्टेशन में जाना है, नहीं जाना है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ओवरब्रिज है तो उधर ही से जाना है, पर इधर से भी देखो लोग जा रहे हैं तो आप भी इधर से आ जा सकते हो, इधर आप देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पर मैं चल के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो अभी मैं एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, इधर दो नंबर प्लेटफॉर्म है, इधर तीन नंबर प्लेटफॉर्म है। पूरा ये ओवरऑल स्टेशन देखा जाए तो बहुत ही सही स्टेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पीने का पानी वगैरह भी बहुत अच्छे तरीक़ा से है, यहाँ पे बैठने का भी जगह सही से है। रेलवे स्टेशन पूरा स्वच्छ है। तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे हावड़ा तारकेश्वर लोकल आ चुकी है। तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, कौन सी ट्रेनें आती है नहीं आती है, टिकट का प्राइस क्या होता है नहीं होता है, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा। अभी मैं आपको स्टेशन का टूर करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक नया टाइप का लोकल आपको दिख सकता है, बट ये कुछ ही ट्रेनें हैं जो हावड़ा और सियालदह डिवीज़न में चलती है। तो सियालदह डिवीज़न का भी बहुत सारा वीडियो जो है मेरा अपलोडेड है चैनल पर, आपको थंबनेल दिख रहा होगा। इस वीडियो के लास्ट के 10 सेकेंड में आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिखेगा हावड़ा डिवीज़न, सियालदह डिवीज़न और ट्रैवलिंग का, तो आप क्लिक करके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। अभी यहाँ पे जो है लोकल जो है तारकेश्वर लोकल, हावड़ा तारकेश्वर लोकल चली गई, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हावड़ा बैंडल लोकल जो आ गई है, और इस साइड से जो है एक हावड़ा जाने की ट्रेन जो निकल गई है। तो दोनों तरफ से ट्रेन है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हावड़ा जाने की ट्रेन और दो नंबर प्लेटफॉर्म पे बैंडल जाने की ट्रेन जो है आ चुकी है। तो अगर आपको हावड़ा जाना है तो मैक्सिमम ट्रेनें एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आती है, कभी कभी दो नंबर पे भी आती है, और अगर आपको बैंडल मतलब अप के साइड जाना है तो दो नंबर तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें आती है, जहाँ पे एक नंबर हमेशा डाउन ट्रेन के लिए है, तीन नंबर हमेशा अप ट्रेन के लिए है, और दो नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो अप और डाउन दोनों के लिए यूज हो जाती है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि बैंडल की ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है। तो स्टेशन पे प्रॉपर तरीके से सब कुछ यहाँ पे है कि, बट उससे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन जो गुजर रही है, जो कि यहाँ पे नहीं रुकने वाली है। इसको आप आवाज़ को सुनिए जैसे आपको लगे आप खुद स्टेशन पे खड़े हो। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जो है नहीं रुकती है, और एक्सप्रेस ट्रेन गई और यहाँ पर एक घोघाट हावड़ा लोकल जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो ये हावड़ा जाने की ट्रेन है। यहाँ पे प्रॉपर तरीका से मेंशन किया गया है कि यहाँ पे विकलांग का सीट है, यहाँ पे महिला का सीट है, यहाँ पे भेंडर का सीट है। तो सभी कुछ इस स्टेशन पे मेंटेन्ड है। हिंद मोटर का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान मोटर, यहाँ पे उसकी एक फैक्ट्री थी, इसी वजह से यहाँ पे एक कंपनी थी हिंदुस्तान मोटर की, उसी वजह से इसका नाम पड़ा है। जैसे आप देख सकते हो काचड़ापाड़ा वर्कशॉप स्टेशन है, जो वहाँ पे वर्कशॉप पे काम करते हैं वहाँ के एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान मोटर को देखते हुए यहाँ पर स्टेशन बनाया गया था। तो आई होप इसका इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हिंद मोटर रेलवे स्टेशन का नाम हिंद मोटर क्यों पड़ा है। अगर आप आते हो तो अगल बगल में हिंद मोटर फैक्ट्री के फैक्ट्री देख सकते हो, तो आप आना तो ज़रूर से ज़रूर घूमना। बट यहाँ पे मैं स्टेशन के बारे में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो अभी मैं स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको फैक्ट्री चाहिए तो बता देना, मैं वो भी वीडियो में बना दूंगा। तो आई होप आपको हिंद मोटर रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अभी मैं चलिए स्टेशन पर कौन सी ट्रेनें आती है नहीं आती है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले लोकल ट्रेन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे अगर आपको हिंद मोटर रेलवे स्टेशन पे आना है तो आपको ध्यान से सुनना है कि कौन सी लोकल ट्रेन आपको पकड़नी है। तो आप हावड़ा से बैंडल लोकल, हावड़ा से मेमाड़ी लोकल, हावड़ा से सेवड़ाफुली लोकल, हावड़ा से तारकेश्वर लोकल, हावड़ा से घोघाट लोकल, हावड़ा से आपका आरामबाग लोकल, हावड़ा से बर्धमान लोकल भाया मेन लाइन पकड़ लेना। कॉर्ड लाइन पकड़ोगे तो किसी और रूट पे चले जाओगे। अगर आपको हिंद मोटर पे आना है तो बर्धमान का मेन लाइन वाला लोकल पकड़ना, और सेम उसी तरह अगर आप उधर से आते हो तो कोई भी हावड़ा लोकल ही इधर चलती है, तो हावड़ा लोकल और बाली लोकल आप पकड़ लेना, आप हिंद मोटर स्टेशन पे आ जाओगे। जैसे बैंडल से बाली लोकल चलती है वो भी हिंद मोटर रेलवे स्टेशन पे आती है। उसके बाद हावड़ा से कटवा लोकल भी आप पकड़ सकते हो, और बैंडल कटवा मेमाड़ी
उसके बाद आपका घोघाट, तारकेश्वर, सेवराफुली, उसके बाद आरमबाग, बर्धमान भाया मेन लाइन से अगर आप हावड़ा आने की ट्रेन पकड़ते हो तो आप कटवा हावड़ा लोकल पकड़ते हो तो भी आप हिंद मोटर पे आ जाओगे। यहाँ पे सभी तरह की लोकल ट्रेनें रुकती है, कुछ गैलोपिंग ट्रेनें यहाँ पे नहीं रुकती है। तो एक बार वेयर इज माई ट्रेन पे या लोगों से पूछ लेना, यहाँ के लोग जो होते हैं, कि कोई गैलोपिंग ट्रेन जो है यहाँ रुकेगी कि नहीं। कुछ गैलोपिंग ट्रेनें नहीं रुकती है, बाकी सभी तरह की ट्रेनें यहाँ रुकती है। इस साइड में कुछ मेमू खास यहाँ पे चलती है नहीं है। और एक्सप्रेस ट्रेन का बात किया जाए तो हिंद मोटर पे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। आपने वीडियो में देखा एक थ्रू ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन गई जो यहाँ नहीं रुकी, तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ टिकट के बारे में कितना प्राइस लगता है। तो अगर आप हावड़ा से हिंद मोटर आना चाहते हो तो सिर्फ 5 रुपया लगता है, क्योंकि 4-5 स्टेशन ही दूर है। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि 4 से 5 स्टेशन दूर होता है तो 5 रुपया लगता है। 8, 10, 12 स्टेशन है तो 10 रुपया लगता है। अगर आप बैंडल से हिंद मोटर आओगे तो आपका 10 रुपया लगेगा। सेवराफुली से आओगे तो 5 रुपया लगेगा। उसके बाद 10 से प्लस स्टेशन होगा, 12-15 होगा तो 15 रुपया लगेगा। 15 से ज़्यादा स्टेशन हो जाता है तो 20-25 रुपया टिकट का प्राइस लगता है। तो इंडियन रेलवे बहुत ही सस्ता है, तो टिकट के बारे में आपको सोचना नहीं है। बट मेन स्टेशन इधर से हावड़ा है तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि हावड़ा से आने में 5 रुपया लगता है। और बैंडल से अगर आप आते हो, सेवराफुली तरफ से आते हो तो 5 रुपया लगता है, बैंडल से आते हो तो आपका 10 रुपया लगता है। तो आई होप टिकट प्राइस पता चल गया होगा। सो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि कितना प्लेटफॉर्म्स है, रूट्स क्या है, अप और डाउन में कौन सी स्टेशन है, कौन सी लोकल ट्रेनें रुकती है और कौन सी ट्रेनें नहीं रुकती है। और मैंने आपको सब कुछ मैंने बता दिया, टूर भी मैंने करा दिया, टिकट का प्राइस भी बता दिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पे जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई दे रहा होगा, उसे देखकर आप ज़रूर देखें और वो सब वीडियो भी ज़रूर देखें। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।